कि मैं ऑफ करूं, दूर दूर की या करीब करीब की प्लानिंग में भी क्लास ऑफ करना नहीं था, बट कुछ ऐसे इवेंट्स आए थे कि जिसमें मेरा जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर मैं फिजिकली वहाँ पे ना होता तो शायद वो काम नहीं हो सकते थे। और आप लोगों को पता है कि वी आर एक्टिवली इंगेज इन द फ्लड रिलेटेड एक्टिविटीज़, और उनको भी ज़रूरत है, उनके तक पहुँचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे आप लोगों के साथ रहना, आप लोगों को सर्व करना इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे उन लोगों के साथ जाना, उन लोगों के पास जाना, उनको भी एहसास देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इवन आप लोगों के साथ तस्वीरें भी शेयर करूंगा कि हम किस एरिया से भी होके आ रहे हैं और क्या क्या हम डेली एक्टिविटीज वगैरह प्रोवाइड करके आ रहे हैं। वैसे तो मैं फील्ड पे इतना नहीं निकल रहा, लेकिन दो तीन जगहों पे मैं खुद फील्ड पे जाके देखे, हालात बहुत बुरे हैं, आपके सोच से भी ज्यादा बुरे हालात हैं। तो इसलिए आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके लिए दुआ ही कर लें ताकि अल्लाह उनकी मुश्किल आसानियाँ पैदा करें। लेकिन लिटरली वो लोग बेचारे बहुत सफर कर रहे हैं। वहां पे जाके एहसास होता है कि हमारे पास जो नेमतें हैं बहुत ज्यादा हैं, लाइक बहुत अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जितनी हमारे पास नेमतें हैं। मैंने अपनी आंखों से जो सैलाब वाला पानी है मैंने बच्चों को वो पीते हुए देखा है, और मैं अपने साथ अपनी वाटर बॉटल लेके गया हुआ था लाहौर से कि यार मुझे पानी साफ चाहिए। एंड दे वर ड्रिंकिंग डेट कंटेमिनेटेड वाटर बिकॉज उनके पास पानी का कोई अल्टरनेटिव नहीं था। मैं मॉस्पेल यूज कर रहा था, शूज पहने हुए थे, फुल कवर्ड प्रिपेयर हुए गया था, और वो बच्चे बेचारे नंगे पाँव फिर रहे थे, बड़े नंगे पाँव, उनके पास सरो सामान के लिए कोई नहीं है, ओपन एयर में बैठे हुए थे। हालांकि अभी सैलाब का पानी उतरे हुए, मतलब सैलाब आए हुए भी अराउंड 1.5 महीना हो गया हुआ, स्टिल इतनी मिजरेबल कंडीशंस है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बट इन लोगों को याद रखना चाहिए ताकि इनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो हो सके। डोनेट करें हर एक, मतलब कुछ माली मामला में डोनेट कर सकते हैं, कुछ वैसे डोनेट कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास कपड़े वगैरह हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं, आप एक कपड़ों का जोड़ा भी डोनेट करते हैं, बहुत मैटर करते हैं, लिटरली बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अराउंड 600 लोगों को कपड़े दिए हैं, 600+ लोगों को कपड़े दे के आए, राशन दे के आए, या टेंट्स दे के आए, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास जूते नहीं है। अगर आपके पास कोई ओल्ड शूज पड़े हुए हैं जो हल्के से मतलब डैमेज हैं, आप उनको सिलाई करवा के अगर आप वो ही डोनेट कर देना, यकीन माने जूता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग विच यू हैव, एनीथिंग विच यू कैन, इवन 100 रुपीज भी जो है ना आप वो डोनेट करें, उनके तक पहुंचना चाहिए। और ये शायद इसका आपको वो सवाब मिले या उनकी ऐसी दुआ आपको लग जाए कि जो आपके मामूलात वगैरह अड़े हुए हैं वो ठीक हो सकते हैं, बिकॉज उनकी दुआ उनके चेहरे पे जब आप खुशी देखते हो ना, वो जो सुकून आपको मिलता है ना, वो जिंदगी में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिंदगी में कहीं सुकून नहीं मिलता। मैंने 58 आवर्स कंटिन्यूस ट्रैवल किया, काम किया है, 1 घंटे के लिए भी नहीं सोया, लेकिन जब मैं लेटूं, जब भी जहां भी बैठूं, एक सुकून था मेरे पास जो शायद मुझे यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता। तमाम लग्जरीज होने के बाद, हर लग्जरी अफोर्ड करने के बावजूद भी वो सुकून नहीं था जो वहां पे उस गांव में जाके रात को बैठने में सुकून मिला था, जब सारा कुछ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जब बच्चों के साथ बातें कर रहा था, जब बच्चों के साथ खेल रहा था, तो वो जो सुकून था ना वो बहुत बड़ा था। दैट वाज समथिंग जो कभी भी लाइक अनएक्सप्लेनेबल है, जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को सर्व करने का। अब कोशिश किया करें, कुछ नहीं कर सकते तो कोई कपड़ा इस तरह की चीज ही आप डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो कपड़े जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। अभी हम जिस इलाके में गए थे वहां पे सर्दी, रात को सर्दी हल्की सी होती है, तो कपड़े जूते ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप फीमेल्स हैं तो फीमेल से कपड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमने कोशिश तो की थी कि रेडीमेड फीमेल से कपड़े जितने हमें मिल सकते हैं मिल सके, लेकिन फीमेल्स के ड्रेसेस जो हैं वो रेडीमेड
उनको अरेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल है, नहीं मिलते। बट भी हम फिर भी ट्राई करके जो गर्म कपड़े है थे वो मैंने फीमेल्स के भी अरेंज कर लिए थे जितने हो सकते थे। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितनी भी उस एरिया में फीमेल्स थी हर फीमेल्स को गर्म कपड़े भी दिए हैं, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, शूज जूते, तो बड़ी एक्टिविटी थी इसलिए मेरा जाना पड़ गया। अदरवाइज मैं आप लोगों की क्लास लाजमी ले लेता, लेकिन चूंकि सामान थोड़ा ज्यादा था, एरिया जरा ज्यादा था, डेट्स वाई मुझे थोड़ा सा जाना पड़ा। तो इसलिए जो आपकी क्लास उस दिन ऑफ हुई है उसके लिए बड़ी माजरत, दिली तौर पर माजरत आप लोगों से, मैं ऐसे करता नहीं हूँ। उसकी वजह से आपका इन स्केजुअल डिस्टर्ब हुआ है, मैं आप लोगों का रिवाइज स्केजुअल सेंड कर दूंगा आप लोगों को, और सिलेबस आपका जो कमिट किया हुआ है उसी टाइम पे उसी पेस पे ही खत्म करूंगा, ये मेरा आप लोगों से बात है। कोशिश तो है कि मैं अब शायद अगला एक बार ही जाऊं, बट लाइक अगर ना क्लास का हर जवाब तो फिर मैं नहीं जाऊँगा, किसी और को भेज दूंगा, बट मैं शायद ना जा पाऊंगा खुद। बाकी तमाम एक्टिविटीज में मैं बीच में रहता हूँ, जहाँ लोगों को जो चीज चाहिए, लोगों से मिलना, बात करना, वेरिफिकेशन के पर्पस, चीजों को सॉर्ट करना, अरेंज करना, प्रोक्योर करना, ये सारे काम मैं लाहौर में कर लेता हूँ। लेकिन माइट भी मैं शायद फील्ड में ना जा पाऊँ बिकॉज क्लासेस शुरू है, पर अगर आप लोगों की मैंने कोई क्लास बंद कर दी तो आप लोगों ने फिर कह देना है कि भाई साहब क्लासेस यहाँ तो बड़ी ऑफ होती हैं, ये अपने टूर्स पे निकले होते हैं, हमारी क्लासेस ऑफ हो गई होती, तो शायद ये मैं ना कर पाऊंगा। ठीक है चलें जी, मैं आपका रिवाइज टेस्ट का स्केड्यूल भी और रिवाइज लेक्चर का प्लानर जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको जो थोड़े दो तीन लेक्चर मिस हुए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस ना हो। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं लेक्चर्स आज का। हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से। मैं आपको कम ही पढ़ा पाऊंगा बिकॉज मेरे गले में इतनी जान नहीं है कि मैं ज्यादा बोल पाऊँ, अगर ज्यादा मेरा गला खराब हो गया तो फिर मुझे आगे फर्दर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, तो मैं चाहता हूँ इसको मैक्सिमम मिनिमम टाइम में इसको ठीक करवाने, तो ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं आज। तो पता है कि जी हमारे पास जो टैक्स का सिलेबस है ग्रुप ए, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी में जो है ये डिवाइडेड है। ग्रेड ए के तीन चैप्टर्स हैं हमारे पास, जिसकी वेटेज जो है वो 5 से 10 नंबर की है, जो है वो हम कर चुके हुए हैं, वो हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। जो ग्रेड बी है ये अराउंड 70 मार्क्स का है और ये इनकम टैक्स का है, और ये बड़ा एरिया है, मतलब 70% पेपर इसमें से आने। और ग्रेड सी जो है वो सेल्स टैक्स का है, ये कंसिडरेबल इनकम टैक्स से छोटा है, लेकिन इसमें से 25 से 30% पेपर आना ही आना। अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो पेपर में एक एरिया जो फॉर श्योर है, जो फॉर श्योर है वो है सेल्स टैक्स का। उस सेल्स टैक्स में से सॉरी इस सेल्स टैक्स में से डिफाइंड 25 से 30 नंबर आपको आने ही आने हैं, हर हालत में ये 25 से 30 नंबर आने ही आने। कन्वेंशनली तौर पर क्या होता है, रिवायती तौर के ऊपर, कि सारे बच्चे पहले इनकम टैक्स करते हैं, इनकम टैक्स के ऊपर चैप्टर 1 2 3 के ऊपर वो 3 महीने लगा देते हैं। और जो सेल्स टैक्स का एरिया होता है ये तो करीबन हर कॉलेज में 7 से 8 डेज के ऊपर हो रहा होता है। मैं थोड़ा सा इसको उल्ट लेके चलूंगा बिकॉज अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं ना, पेपर तो मैंने आप लोगों को हर हाल में इंशाल्लाह पास करवाना ही करवाना है, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग के साथ भी हमें चलना पड़ेगा। वो प्लानिंग क्या है कि हम पहले स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स, और सेल्स टैक्स के ऊपर हम कोई गालिबन 3 वीक्स स्पेंड करेंगे, 3 हफ्ते लगाएंगे, और सेल्स टैक्स को हम इतना डिटेल्ड करेंगे, हर क्वेश्चन हर न्यूमेरिकल करेंगे कि आप में से हर एक बच्चा, में से हर एक बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो सेल्स टैक्स के सवालों में से
सेल्स टैक्स के एरिया में से 100% मार्क्स सिक्योर कर सके। और मेरा प्लान भी यही है और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि जब आप भाई कैप के हॉल में एंटर हो, आप पेपर देने जाएं, तो उस पेपर में जो सबसे पहला एरिया आप करें वो सेल टैक्स का करें और 40 से 50 मिनट में आप अपना 30 नंबर सिक्योर करके साइड पे हो जाए। और बिलीव मी, एरिया बड़ा आसान है और इसमें से मार्क्स हम सिक्योर इजीली कर सकते हैं। तो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर पेपर पास अक्सर कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या इवन अगर आप में से जो ख्वाहिश रख के बैठे हुए हैं जिनकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है कि मेरिट कैसे होना चाहिए, बिकॉज मेरिट सर्टिफिकेट उस बच्चे का आता है जिसके हाईएस्ट नंबर होते हैं उसका मेरिट सर्टिफिकेट आता है। तो हाईएस्ट नंबर कैसे लेंगे या कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या किस तरह से हम टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, तो उसको साइंटिफिकली लेके चलेंगे। तो आपको मैंने इस काबिल करना है कि 3 घंटे के पेपर में आप 40 से 50 मिनट में इजीली क्या कर लें, 30 नंबर सिक्योर कर लें। तो डबल एफर्ट्स हमने सेल्स टैक्स पे करनी है और हमने कोशिश करनी है कि इसमें से हर बच्चे को ये एरिया घोल के याद हो जाए, मतलब वो सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद जब भी वो बैठे तो उसको सेल्स टैक्स उसके ख्वाबों में आ रहा हो, सेल्स टैक्स उसके मतलब हर दिमाग के ऊपर उसके सेल्स टैक्स से क्या होना चाहिए, सवार होना चाहिए। सेल्स टैक्स की कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस तरह से हैं। लेकिन सेल्स टैक्स को मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कंसिडर किया जाता है कि इसके ऊपर टाइम जो है वो कम लगता है। अब आप खुद बताओ, अगर आप 7 दिन में सेल्स टैक्स कर रहे हो या 10 दिन में आप अपनी क्लास में सेल्स टैक्स कर रहे हो, तो क्या आप उसको डीपली समझ सकते हो? आंसर इज नो। एक कंफर्म एरिया 30 नंबर का आना ही आना है पेपर में। अगर आप उसके ऊपर 9-10 दिन लगा रहे हो तो इसका मतलब आपने थोड़ी जल्दी में किया होगा और उसमें फिर प्रॉब्लम्स वगैरह थोड़ी बहुत क्रिएट हुई होंगी। हम इसको यहाँ पे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो इसमें फिर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का आप वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आप शॉर्ट टाइम के ऊपर कर रहे हैं, ज़रा टाइम के ऊपर कर रहे हैं, नहीं। इतनी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना आपको करवा दूंगा, अभी सेल्स टैक्स आपको कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। और अगर आपका सेल्स टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स में अगर आपको समझ आ गई, 30 नंबर आपके अगर सिक्योर हो गए, तो बिलीव में जब आप इनकम टैक्स कर रहे होंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो मोटिवेशनल लेवल है, वो एक अलग ही लेवल के ऊपर होगा, एक अलग जगह में पहुंचाओगे। बिकॉज आपको पता है कि आपने 3 हफ्तों में इतना पढ़ लिया है कि आप पेपर आज भी देने जाएंगे तो 30 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो हम इसको इस परस्पेक्टिव से लेके चलेंगे और ये सिर्फ इसी तरह हो सकता है कि अगर आप रेगुलर रहें, रेगुलर इन द सेंस ऑफ कि मैंने आज जितना करवाना है आपने वो लाजमी कर लेना है। सेल्स टैक्स का कोई पेंडिंग लेक्चर नहीं होना चाहिए आप लोगों के एंड से, ये वादा कर लो 30 नंबर मैं आपको सिक्योर करवा दूंगा, बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल, छोटे से छोटा न्यूमेरिकल जो है वो आपका सॉल्व करा दूंगा, अगर आप ये वादा कर लेते हो कि सेल्स टैक्स का कोई एक लेक्चर भी किसी का पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यही सिर्फ आप लोगों का प्रीरिक्विजिट है। तो इसकी शपथ देते हो कि सेल्स टैक्स का कोई लेक्चर पेंडिंग नहीं होगा, इसकी शपथ ना ग्रुप में दीजिएगा, ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा कि हम शपथ लेते हैं कि सेल्स टैक्स का कोई लेक्चर जो है पेंडिंग नहीं होगा। ये ग्रुप में आपने मैसेज करना है। अब मैं जरा सेल्स टैक्स का कुछ ओवरव्यू लेते हैं, उसको जरा हम देखते हैं। अच्छा, मैं आपको सेल्स टैक्स का ना
थोड़ा सा एरिया बता दूं, एरिया छोटा है, एरिया ये टिड्डा से है, लेकिन इस टिड्डे से एरिया की डिवीजन बड़ी मजे की है। इस टिड्डे एरिया की डिवीजन इस तरह से है कि इसमें से आपको न्यूमेरिकल भी आना ही आना है और इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने ही आने। न्यूमेरिकल आप इसमें रख सकते हैं, 15 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल आएगा। इस दफा का जो न्यूमेरिकल आया है बड़ा अजीबो गरीब सा, लेकिन बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल आया है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होंगे ये आपको कोई ए बी सी डी पार्ट्स में मिलेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 4-5 पार्ट्स में मिला के मिलेंगे। और इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे होंगे और आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तो ये जो हम सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं 30 नंबर का एरिया, इस 30 नंबर में से न्यूमेरिकल भी टेस्ट होने हैं, इस 30 नंबर से थ्योरी भी जो है वो आपकी टेस्ट होनी है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना है, इसको लेके चलना है। गॉट इट? जी जनाब, गॉट इट? पेंडिंग इन सेंस के लाइव लें, देखें लाइव, अगर आप लाइव ले रहे हैं तो आपको लाइव ही आना चाहिए। अगर किसी दिन कोई क्लास मिस हो भी जाती है तो उसको रिकॉर्डिंग में लेके जिस दिन कोई लेक्चर हो रहा है आपका वही टॉपिक होना चाहिए। वो ना हो कि हम किसी दिन वैल्यू सप्लाई पढ़ रहे हैं और आप कह रहे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं हुआ, मैंने तो ये भी नहीं किया हुआ, ये काम नहीं होना चाहिए। इसको पेंडिंग नहीं रखना, सेल्स टैक्स साथ साथ करना है। सेल्स टैक्स साथ साथ कर लो, मैं तुम्हें चले मैं आपको सेल्स टैक्स में 3 छुट्टियां भी देने को तैयार हूँ ताकि आप रिलैक्स रहें। बर्डन भी नहीं करूंगा, इजी लेके चलूंगा, लेकिन सेल्स टैक्स में मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने 30 के 30 नंबर सिक्योर करवाने हैं। अगर आप लोग होते ना फिजिकल क्लासेस में, और जिस तरह सरकारी स्कूलों में नहीं होता दरवाजा बंद करके पढ़ाई जाओ पढ़ाई जाओ, जो बच्चा ना पढ़े उसको फिर ठा ठा, मैंने वो काम कर देना था, मतलब दरवाजा बंद करके AK-47 निकाल देनी है मैंने किसी दिन। लेकिन अब तो हम वर्चुअली कर सकते हैं, तो फिर ये वर्चुअल फेंटी पड़ जाएगी आप लोगों को। लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे इजी है, इंजॉय भी करेंगे और आपका सेल्स टैक्स हो भी जाएगा। ठीक है? नहीं, 3 छुट्टियां संडे के अलावा देने को तैयार हूँ मैं आपको ताकि आप रिलैक्स रहें। बर्डन भी नहीं करूंगा, रिलैक्स भी रखूंगा, लेकिन 30 के 30 नंबर अपने नोटबुक पे लिख लो कि हमें हर हाल में 30 के 30 नंबर इस एरिया में से सिक्योर करने हैं। सर आप नजर नहीं आ रहे, इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि मैं नजर आने के काबिल नहीं हूँ, जितने डार्क सर्कल्स 2 दिनों में पड़ गए हैं, इसलिए कैमरा ऑफ किया हुआ है, ऐसे भी बोला नहीं जा रहा सही तरह। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी डिवीजन दिखाता हूँ सेल्स टैक्स की। ये अटेम्प्ट वाइज इसका कुछ एनालिसिस है, ये आपने अपने पास सेव कर लेना है। अगर आपको याद हो कि जब हम रीजंस ऑफ फेलियर पढ़ रहे थे, उन रीजंस ऑफ फेलियर में हमने पढ़ा था सिलेक्टेड स्टडी, याद है कि बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करते हैं फेल हो जाते हैं। हमने सिलेक्टिव स्टडी पे नहीं जाना, हम एक यहाँ पे टर्म देंगे वो है सेगमेंटेड स्टडी, कि हमने पूरे सिलेबस में से ना सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया होगा उसके ऊपर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जो कम इम्पोर्टेंट एरिया होगा उसके ऊपर हम कम टाइम लगाएंगे, बट हम टाइम लाजमन लगाएंगे, जो जितना इम्पोर्टेंट एरिया है उसके ऊपर हम उतना ज्यादा वक्त लगा रहे होंगे। अब आप देखें सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स में हर अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल्स कितने परसेंट है, थ्योरी कितने परसेंट है, तो ऑन एवरेज 16% वो 16 नंबर का न्यूमेरिकल है सेल्स टैक्स में से, और 13% जो है वो थ्योरी आ रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सेल्स टैक्स क्यों नहीं हो पाता? अगर आपको याद हो मैंने आपको एग्जामिनर कमेंट्स दिखाए थे ओरिएंटेशन में फर्स्ट क्लास में, याद है? उस एग्जामिनर कमेंट्स में जो क्वेश्चन नंबर 6-7 था ना, 6-7 में से हर अटेम्प्ट में इन दोनों में से एक ना एक सवाल जो है था बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। 10% पासिंग रेशियो, 6% पासिंग रेशियो, ये है थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस चीज का एनालिसिस।
कि सेल्स टैक्स के जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप ऑन एवरेज लगा लें 15 नंबर के, जितने भी न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स में आए ना, उसमें आप पासिंग परसेंटेज देखें, 80% बच्चों न्यूमेरिकल में पासिंग मार्क्स ले गए। हालांकि ये जो न्यूमेरिकल है ये सेल्स टैक्स का सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल कंसिडर होता है। 84%, 79%, 73%, 66%, 74, ये भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल परस्पेक्टिव में। अब आप देखिए न्यूमेरिकल में बच्चे मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये सेल्स टैक्स का प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर किसमें प्रॉब्लम है? अगर मैं इतना कह रहा हूँ कि सेल्स टैक्स प्रॉब्लम है, बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लमेटिक एरिया है ये सेल्स टैक्स का थ्योरी। इस 30 में से 30 नंबर ना आने के रीजन ये है कि ये जो 12 से 15 नंबर की थ्योरी होगी, इस थ्योरी को हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं नहीं कह रहा एग्जामिनर ने कहा कि सेल्स टैक्स में जो प्रॉब्लम है, जो बच्चों को फेल करवा रही है, जो उनको पास नहीं होने दे रही, वो थ्योरी है। आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लें, मतलब ये जो मिस्टेक्स लोगों ने की है, मैं आपको पास होने की बिशारत दे सकता हूँ, और मैं आपको हाँ में से एक आधे बच्चे को मेरिट सर्टिफिकेट के ऊपर भी लेके आ सकता हूँ। आप देखिए थ्रेटिकल क्वेश्चन स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन नंबर 6 था, दो पार्ट से 28% बच्चे जो हैं वो पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए। ऑटम 18 में देखें 3 सवाल आए 43.4%, स्प्रिंग 19 में 3 सवाल आए 15% बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए हैं, 85% बच्चों ने इसमें से मार्क्स सिक्योर नहीं किए। सेम कोर्स 25, 26 देखो 17%, 16%, 13%। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? सेल्स टैक्स थ्योरी। समझ आ रही है कि ये मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये ऑन अ वेरी फर्स्ट डे इसलिए बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स तो हो जाएंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल्स का वो फॉर्मेट करवा दूंगा, मैं आपको न्यूमेरिकल्स का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दे दूंगा, सिखा दूंगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को कॉपी पेस्ट करना रह जाएगा। जस्ट आपने वैल्यूज पकड़नी है, आपने उनको कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, कभी भी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम थ्योरी। थ्योरी मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दी है, तो हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर, थ्योरेटिकल एरिया के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। इफ वी वांट टू कंक्लूड दैट सब्जेक्ट, इफ वी वांट टू सिक्योर एस इन दैट सब्जेक्ट, हमें इसके थ्योरी को बड़ा इंपॉर्टेंटली लेके चलना है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये जो आजकल के ना सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं, और ये जो सो कॉल्ड सीनियर्स आप लोगों को मिस गाइड करने के लिए आ गए हैं, लिटरली बताऊं ये आप लोगों के साथ बड़ा जुल्म करते, बड़ा जुल्म करते। कभी भी जो ना चांद तारे वाले ग्रुप्स में आप जाएं, आप उनसे पूछेंगे ना कभी भी ओपिनियन ले ले, आपको हर 10 में से ये 9 सो कॉल्ड सीनियर्स और ये सो कॉल्ड काउंसलर्स ना कह रहे होंगे यार न्यूमेरिकल कर लो, थ्योरी खैर है उसको पढ़ जाना। हमेशा आप कभी भी लिटमस टेस्ट कर लीजिएगा, वो हमेशा हर बंदा ये कहता है न्यूमेरिकल कर लो, थ्योरी में ये छोड़ दो, ये कर लो, ये छोड़ दो, ये कर लो। और एग्जामिनर यहाँ पे क्या बता रहा है कि न्यूमेरिकल में मार्क्स आ रहे हैं, थ्योरी में मार्क्स नहीं आ रहे। तो इसका मतलब अगर आप वाकई थोड़ा सीए को सीरियसली लेना चाहते हैं, सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं, और पहली अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं, लिटरली बताऊं तो ये सो कॉल्ड सीनियर्स और सो कॉल्ड चांद तारों वाले ग्रुप से ना अपने आप को कम से कम 3 अटेम्प्ट के लिए दूर कर लो, 3 अटेम्प्ट के लिए दूर कर लो, वो 3 अटेम्प्ट में तुम सीए एंटर कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप में से कोई बच्चा भी हो, सिर्फ 3 अटेम्प्ट के लिए इन सीनियर्स और ये चांद तारों वाले ग्रुप को छोड़ दे, या इनको बॉदर करना छोड़ दे, 3 अटेम्प्ट दे दे, आपका पेपर कैफ क्लियर हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज दैट, वो आपका सिर्फ मजाक बनाते हैं और कुछ नहीं करते, मिसगाइड करते हैं,
डिमोटिवेट करते हैं, डेट इज द थिंग ओनली। स्टेटिस्टिकली साइंटिफिकली कुछ नहीं बताएंगे आपको कैसे करने, तो इनसे जरा बच के रहे आप, इनको एंजॉय करें, मीम्स देखें, लेकिन इनके मच्छरों से बच के मरवा देंगे। ये वो वकील है जो अपने क्लाइंट को फांसी पे चढ़ा के कहते हैं यार हमने तो इससे गुनाह कम करवाए हैं, अगर ज्यादा जिंदा रहता ज्यादा गुनाह करता इसको जहन्नम की सजा लंबी मिलनी थी, तो हमने इसको अपने क्लाइंट को जल्दी फांसी दिलवा दी ताकि इसकी उम्र कम हो, कम गुनाह हो, तो इसकी जो है जन्नत की चांसेस ज्यादा बन जाए। ये ऐसे लोग हैं, मैं मजाक नहीं कह रहा, मैं बड़े पेन के साथ कह रहा हूँ। अब मैं आपको अपना ये बताता हूँ, मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया लास्ट वीक में, उस बच्चे ने मैसेज किया, उसका बीलो का पेपर पास है, उसका R1 का पेपर पास है, दो पेपर पास है, उसने टैक्स का पेपर सिर्फ इस अटेम्प्ट में दिया। अब वो कहता है कि जी मैंने ऑडिट और MFA का पेपर देना है। मैंने कहा यार कैसे दे सकते हो? उसने मुझे सो कॉल्ड मशहूर सीनियर्स का बताया कि इन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने उन ग्रुप्स की जाके पोस्ट बताई है, मुझे लिंक भेजा कि उसने इस पोस्ट में रेफरेंस लिया था, तो ऑलमोस्ट कोई 23 कमेंट में से 19 कमेंट ने कहा हाँ जी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार आई कैप बेवकूफ है, अगर आई कैप को पता है, आई कैप को नहीं पता, हमें नहीं पता, तो हम अपने दारे बंद कर देते हैं। ये सो कॉल्ड सीनियर्स को चांतर ग्रुप को कहते हैं भाई खुद ही पेपर बनाओ, खुद ही पेपर ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। आप तरीके से चलेंगे, तरीके से सीए करें, पहले अटेम्प्ट में सीए सुकून से हो जाते हैं, लिटरली पहले अटेम्प्ट में सीए हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। आप न्यूट्रल लोग हैं, वो वाले न्यूट्रल नहीं, मतलब ये नहीं कि आप हाजी साहब बन जाए और मेरे घर के सामने वेगो खड़ी की हो, वो वाले न्यूट्रल नहीं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन के एक दो दिन में ना देखिएगा कि ये चांद तारे वाले लोग और ये न्यूट्रल, ये जो सीनियर्स हैं, ये क्या आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा ये मुश्किलात में डाल रहे हैं, आप लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं या आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? जरा देखिएगा, खुद ही असेसमेंट की कर लीजिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा क्या है और क्या नहीं। इसमें से मैं ऐसे ऐसे सीनियर्स को आपके जानता हूँ, ऐसे ऐसे मैं सीनियर्स को जानता हूँ जिनको लोग पैसे देते हैं और वो उन पैसों के लिए गलत मशवरे दे रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पर बच्चा 500,000 रुपए कमाने के लिए, और आप उन सीनियर्स को ब्लाइंडली फॉलो भी कर रहे होते हैं, बाय नेम जानते हो, बाय पेमेंट्स जानते हो, किस किस को कितनी कितनी पेमेंट्स हो रही होती। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई, एमी तुम उसका नाम ले लो, वो मेरा दोस्त है, बाद में मुझे पेड़े मार रहा हूँ आगे। उसके अलावा ही बड़े लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। उसके अलावा जो नए नए सीनियर्स बन के उभर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलो अब तुम मूवीज की बात कर दे, वो आएगा मेरे पास रोने बैठ जाएगा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा। चलो तुम शहीन पे आ जाओ, वो भी आगे मेरे पास बैठ जाएगा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा। इसका जरा आप इनके पास जाएं, इनसे मशवरे लें, लेकिन अपनी भी थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लेना। अगर कोई बंदा आपको कहेगा ना कि ऑडिट और MFA कर लो, बाकी सब एक बाद में कर लेना, तो आपको फिर समझ आना चाहिए कि आपका वक्त करीब आ गया। ठीक है, देखिए मैंने इनको अच्छा बंदा बुरा बंदा भी नहीं कह सकता भाई, मैं उनको अच्छा बंदा कह दूं, अगर इन तीनों में से कोई आप लोगों को ऐसा मशवरा दे दे जिससे आपका नुकसान हो जाए, आपने तब भी मेरे पे आ जाने। मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं फुल टाइम न्यूट्रल हूँ। जो चेंजेस आई हुई हैं वो सारी की सारी लेक्चर्स में आपकी डिस्कस हो जाएंगी, आपको फील भी नहीं होगा, लेकिन जो अपडेटेड जो है ना वही हम टैक्स कर रहे हैं, उन्होंने टैक्स कोई नहीं कर रहे। आपको एक अच्छे सीनियर का बताऊं, अच्छा सीनियर जो गाइड करने वाला है वो कभी भी आपको मशवरा नहीं देगा, याद रखिएगा। जो वाकई सिंसेयर है ना वो कभी भी आपको कंक्रीट मशवरा नहीं देगा, वो सिर्फ आपको ऑप्शंस देगा कि दिस 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 डिसाइड आपको खुद करना। जो आपको कंक्रीट डिसीजन दे रहा है ना वो झूठा आदमी है।
तब आप पहुंच गए होंगे कौन ऐसा कौन नहीं है। ठीक है जी, चलें जी। आप लोगों को किताब का मैंने बता दिया था, इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक मैं अपनी किताब पब्लिश कर दूंगा। पास्ट पेपर से किताब भी इस मंथ के एंड तक हो जाएगी। अभी मैं वापस उसके ऊपर काम करने लग जाऊंगा। अभी आपने कोई किताब वगैरह ऐसा कंसिडर नहीं करनी। आपको जो नोट्स वगैरह अभी स्लाइड शेयर होंगी, अभी आप इनको इस्तेमाल कीजिएगा, इनसे ही पढ़िएगा। अच्छा, सेल्स टैक्स में ना मैंने आपको बताया है कि हमारे पास न्यूमेरिकल एरिया भी है, ये वाला हमारे पास थ्रेटिकल एरिया भी है। तो सेल्स टैक्स को ना आसान बनाने के लिए, इजी करने के लिए, हम इनको पांच कैटेगरीज में डिवाइड करके करेंगे। देखो, सेल्स टैक्स में से 30 नंबर सिक्योर करने हैं ना, तो उस 30 नंबर को सिक्योर करने के लिए ये पांच पिलर है, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो है ना डेफिनेशंस, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां से। इन सेल्स टैक्स के डेफिनेशंस में से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना ही आना है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी बेस भी बनाएंगे, ताकि आप आगे जाके जो इनके सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें। और उसके बाद है सेल्स टैक्स के प्रोविजन, सेल्स टैक्स के रूल्स, उनके बाद इसमें से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना ही आना है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ ना, इन दोनों में से दोनों को मिला के आपको 5 से 7 नंबर की थ्योरी आनी है। चले हम इसको 5 से 8 कर लेते हैं, मतलब सेल्स टैक्स डेफिनेशन कर लो और सेल्स टैक्स प्रोविजन रूल्स कर लो, आपकी 5 से 8 नंबर का थ्रेटिकल क्वेश्चन इसमें से आना है, जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी जो आपको बताए हैं उनकी फॉर्म में होगा, वो आपका हो जाएगा। जब आपके ये दोनों एरियाज कंप्लीट हो जाए ना, जब आप इन दो एरियाज कर लोगे, ये दो एरियाज करने के बाद ये जो है ये भी आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर सेल्स टैक्स डेफिनेशन, सेल्स टैक्स प्रोविजंस एंड रूल्स अगर आप अच्छी तरह कर लेते हो, सेल्स टैक्स के जो न्यूमेरिकल हैं ये 100% आपके हो जाते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मेट समझ आना है, अगर आपको फॉर्मेट भी समझ आ गया तो 100% न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके हो जाते हैं। और फॉर्मेट की गारंटी विद वारंटी मेरी है कि फॉर्मेट्स आप लोगों की फिंगर टिप्स पे करवा दूंगा। अगर एक न्यूमेरिकल 20 नंबर का है, उसको सॉल्व करने के लिए 36 मिनट चाहिए, मैं इंशाल्लाह आपको इतना कैपेबल कर दूंगा कि आप 30 मिनट्स में वो 20 नंबर का न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो तो मैं आपको फुल टाइम इजी पीजी माहौल में करवा दूंगा। तो खुद देखें, सेल्स टैक्स में ये दो एरिया करो तो आपका ये भी हो जाता है, मतलब दिस वन एंड दिस वन, ये आपका 15 नंबर के न्यूमेरिकल और 5 से 8 नंबर, चले हम इसको अपर में ले जाते हैं, हम इसको 8 नंबर कर लेते हैं, तो 23 नंबर जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ इन दो एरियाज में से निकल आते हैं। बाकी रह जाते हैं हमारे पास एरिया, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। इसमें से भी कोई 5 नंबर तक के सवाल आते हैं, इन एरिया से सेपरेट एरियाज है लेकिन इसमें से भी हमारे पास क्या आते हैं, 5 नंबर तक के सवाल आते ही हैं। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर डी होगा और क्वेश्चन नंबर ई होगा वो इस एरिया में से आएगा। और एक सबसे बड़ी रियलिटी क्या है, सबसे बड़ी रियलिटी है कि 98% लोग जो हैं वो इस एरिया को छोड़ जाते हैं, इस एरिया को लीव कर देते हैं, इस एरिया को कंसीडर ही नहीं करते। और आपको पता है वो लीव क्यों करते हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट एक तो आखिरी महीने में कर रहे होते हैं, दे हैव शॉर्ट टाइम होता है, पेंडिंग लेक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जब पेंडिंग लेक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से फिर वो आपको पता है पहले चांद के ऊपर जाते हैं,
फिर चांद वाले उनको तारे के ऊपर भेजते हैं, फिर वो चांद तारे मिलके उसको दिन में तारे दिखाते हैं, जब उसको दिन में तारे दिखाए जाते हैं तो अल्टीमेटली वो इन लोगों की बातों पर यकीन करते हुआ ये 5 नंबर का या 7 नंबर का एरिया टोटली छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। ये वाला जो एरिया ना, ये 5 से 7 नंबर का, मैं आपके साथ एग्जामिनर कमेंट शेयर करूंगा, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें पासिंग परसेंटेज जो है ना वो 10% से भी कम है। मतलब अगर 9,000 बच्चों ने टेक्स्ट का पेपर दिया है तो उसमें से जो पासिंग परसेंटेज होगी इन एरियाज में वो कोई 900 बच्चों की होगी, सिर्फ 900 बच्चे इसमें से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। द प्रॉब्लम इज दैट इसको बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो हमने ये काम करना, हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे, पहले हम ये करेंगे, जब ये करेंगे उसके बाद फिर हम ये करेंगे। लेकिन मैं आपको इस तरह करवाऊंगा कि हम एक डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, उसके साथ जितने भी पास पेपर्स आ चुके हुए हैं हम वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या करते जाएंगे, हम वो डिस्कस करते जाएंगे। जितने भी पास पेपर्स आ चुके हुए हैं हम जहां जहां जो जो चीज जो जो प्रोविजन पढ़ते जाएंगे थ्योरेटिकली बेस के ऊपर हम वो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। जब हमारे ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी देन हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल के साथ साथ फिर हम पैरेलली क्या करेंगे इसको लेकर चल रहे होंगे, ताकि हमारे पास पेपर्स जो हैं थ्योरेटिकली वो भी साथ साथ हो जाएं, आपको पता हो कि इस टॉपिक में ये सवाल था ये हमने किया, इसका आंसर ये था ये हमने इस तरह से किया, हर एक चीज आपको मैंने क्या कर देनी है साथ साथ करवा देनी है। तो पास पेपर एक चीज है, ऑटम 14 से लेके ऑटम 22 तक के सारे पास पेपर आपकी क्लास में सॉल्व होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जितने भी बड़े मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे मैं ही करवाऊंगा आप लोगों को, ये भी हो जाएगा। इसके बाद आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे उसका मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और इनशाला मैं आप लोगों से सीफैप के सवाल जो है वो सॉल्व कराऊंगा। हालांकि मुझे पता है अभी आप लोग कैफ में हैं, आप लोगों ने 785 साल के बाद सीफैप में जाना है, लेकिन मैं थोड़े बहुत सवाल आपको उसके सॉल्व करवाऊंगा, इस काबिल बनाऊंगा कि आप वो करवा पाए। तो अल्टीमेट प्रैक्टिस कैफ के सवालों की हम क्लास में करेंगे, आप लोगों से मैं सीफैप के सवाल करवाऊंगा, और मैं आप लोगों को इसकी असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता जाऊंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो सफिशिएंट हो जाए और आप लोगों को ये एरिया जो है वो मुश्किल ना लगे। याद बस आपने एक ही चीज रखनी है कि फॉलो आपने करना है इसी पैटर्न में जिस पैटर्न में हम चल रहे होंगे। अगर आप इसको इस पैटर्न में फॉलो नहीं करेंगे फिर ये सेल्स टैक्स जो है वो अजाब बन जाएगा। इस पैटर्न में चलोगे सेल्स टैक्स हलवा है, अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो सेल्स टैक्स फिर करेले का हलवा है, ठीक है। सर आपकी बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे? नहीं, मतलब किताब में प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना हो तो वो किताब किसी काम की होती है बताओ। हाँ जी, पास पेपर्स के अलावा इंशाल्लाह होंगे, ठीक है जी। हम समझ लग गए सारी आप लोगों को प्लान, सेल्स टैक्स का क्या है प्लान, तो सिर्फ आप लोग साथ साथ रहिएगा। और टारगेट क्या है, मिशन क्या है हमारा, सेल्स टैक्स में से हर एक बच्चा 100% मार्क्स सिक्योर करेगा, और मैं इस चीज के ऊपर रिलीजियसली बिलीव करता हूँ, रिलीजियसली, कि हर एक बच्चा इस काबिल है कि वो पूरे के पूरे नंबर ले सकता है या मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकता है। अगर 23 नंबर का सेल्स टैक्स का एरिया आया ना तो आप में से हर एक बच्चा इस काबिल है कि 25 नंबर वो एटलीस्ट तो सिक्योर कर सकता है, हर एक बच्चा। कोई भी ऐसा मैं बिलीव नहीं करता बच्चा जो कि मैं कामों में ज्यादा हूँ, ऐसा भाई नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर एक को दिमाग एक ही दिया हुआ है, आपके दिमाग का वजन भी एक जितना है। हाँ कुछ लोगों के दिमागों में भूसा भर गया होगा चांद तारा मतलब उसमें जाके, उनको सफाई की जरूरत है, लेकिन दिमाग अल्लाह ने हर चीज को हर बंदे को जितना दिया हुआ है, बस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं हर बंदे। कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से ही जो न्यूमेरिकली बड़े स्ट्रांग होंगे, बड़े तेज होंगे,
उनके लिए न्यूमेरिकल्स बड़े हलवे होंगे, वो ठक 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 करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो थ्योरेटिकली बड़े तेज होंगे, रट्टे वाले ऐसे होंगे कि रट्टे को वो तो पी जाते होंगे, और वही लोग ऐसे होंगे थ्योरी वाले वो न्यूमेरिकल में अड़ेंगे, न्यूमेरिकल वाले होंगे थ्योरी में अड़ेंगे। तो ये रियलिटी है। तो जो जहां पे अड़ेगा, जिसको जहां प्रॉब्लम लग रही होगी, हम उसको वहां पे सॉर्ट कर लेंगे। लेकिन हर एक के पास दिमाग ही कितना ही है, यूटिलाइजेशन ये सिर्फ होती है वो टेक्निक। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे थ्योरी नहीं होती, मुझे थ्योरी नहीं होती मेरे से, लेकिन मेरे थ्योरेटिकल पेपर निकले सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुए। मेरे से लिखा नहीं जाता थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल मुझे पेपर दे दें जितना मर्जी बड़ा न्यूमेरिकल दे दें, मैं आपको जितने मर्जी पेजेस के भरने को तैयार हूँ। मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, थ्योरी नहीं लगती। थ्योरेटिकल पेपर में मुझे सवाल देख के मेरी मौत वाकई हो जाती है, मुझे तो ये नहीं पता लिटरली मैं आपको मेरे आई कैप में थ्योरेटिकल पेपर कैसे पास हुए, मुझे तो आज इस पर यकीन नहीं आता जब मैं इस चीज को सोचता हूँ। तो थ्योरी मेरा एक लो पॉइंट है। अभी आप में से किसी का लो पॉइंट होगा, बट ओवरकम करना इन चीजों को तो ये हो जाती है। अब इसमें से आप में से आपको कोई ऐसा दोस्त मिलेगा, यार मैंने तो 1 घंटा पढ़ा है, आप 3 घंटे करते रहेंगे, आप चीजें नहीं रिटेन हो रही होंगी। तो ये भी आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है। तो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को दूसरों के साथ कंपेयर ना किया करें। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, लिटरली सुकून चाहते हो, डिप्रेशन फ्री चाहते हो अपनी जिंदगी को, इसमें ना डिप्रेशन हो ना एंजाइटी हो, और आप फोकस्ड रहें, एक काम बस अपनी जिंदगी में कर लो, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दो, कंपैरिजन ना करो। ये चीज अपने अंदर डेवलप कर लो। आप लोग जो भी हो, आप लोग बेस्ट हो, हर बंदा अपने अंदर बेस्ट है। अपने आप को किसी से भी कमतर नहीं समझना आप जिंदगी में। ये चीज डेवलप लिख लो इसको, आप अपने अंदर परफेक्ट हो, आप किसी से कमतर नहीं हो। मेरे पास जो मेरे फैक्टर्स हैं, मेरे दोस्त के पास वो फैक्टर्स नहीं है। मैं अपने फैक्टर्स में सरवाइव करूं, अपने फैक्टर में सरवाइव कर रहे, आप अपने फैक्टर्स में सरवाइव कर रहे। तो हर बंदा अपने फैक्टर्स के लिहाज से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा होता है। मैं आपकी जगह पे हूँ और आपके फैक्टर्स में हूँ, माइट भी मैं कुछ ना कर पाऊँ, आप उस पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा काम कर रहे होगे। तो इसलिए अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो और अपने आप को डिग्रेड करना छोड़ देना कि यार हमसे नहीं होता, हम खुद जेन है, हम ऐसे ही हैं, हम वैसे हैं, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। छोड़ दे, अपने आप को इज्जत देना सीखें, ऑनर योर सेल्फ। अपने आप के लिए आप इज्जत करना सीखेंगे, अपने आप को वैल्यू करना सीखेंगे, दुनिया भी आपके वैल्यू करेगी, और जिंदगी सुकून से हो जाती है। जब आपका कोई कंपैरिजन पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, अब कंपैरिजन पॉइंट करना है तो नेकियों में किया करें, यार उसने 10 लोगों की हेल्प की है, मैं 12 की हेल्प करूंगा, हम इसमें नहीं करते। अगर कंपैरिजन पॉइंट के रखना है तो देखें आप कितने गुनाह कम कर रहे हैं, उसमें रखा करें। ये लाइफ के लिहाज से, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, छोड़ दें। मटेरियलिस्टिक चीजों पे छोड़ दें कंपैरिजन करना, बनता भी नहीं है। उसका पेपर पास हो गया है, वो उसके ये कर रहा है, वो फिर रहा है, वो ये कर रहा है, मैं तो ये कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा। कंपेयर ना करना अपने आप को अगर जिंदगी आसान चाहते, अदरवाइज जिंदगी फिर आपको ऐसा रगड़ा लगाएगी ना, ऐसा रगड़ा लगाएगी आपको लग पते जाएंगे। मेरे अंदर कासिम अली शाह की रूह आ गई है, सैलाबजदगान के इलाकों में से जब मैं हो गया हूँ ना, तो रास्ते मेरे अंदर ना ओ कासिम अली शाह की और संदीप माहेश्वरी की रूह घुस गई, इनका साया आ गया, तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। अच्छा जी, हम सेल्स टैक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ओवरव्यू लेते हैं थोड़ा सा। सेल्स टैक्स क्या है, किस तरह से काम करते हैं, जरा यहाँ पे ना एक्टिवली मेरे साथ इन्वॉल्व होइएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों की जनरल नॉलेज को देखना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, उसमें हमारे पास दो तरह के टैक्सेस हैं।
एक डायरेक्ट टैक्स है, एक हमारे पास है इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह का टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई थी कि डायरेक्ट टैक्स आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली पर्सन की इनकम से ले रहे हैं। मतलब आपने एक बंदा आइडेंटिफाई किया, आपने एक पर्सन को आइडेंटिफाई किया, हमने कहा हाँ भाई पैसा बड़ा कमा रहा, तूने बड़ी ऑडी छोड़ी ली हुई है, आ जा। उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसकी इनकम देखी, उसकी इनकम के ऊपर जो भी रेलेवेंट रेट था वह आपने रेट लगाया और आपने टैक्स ले लिया। ये है डायरेक्ट टैक्स। अब ये इनकम आइडेंटिफाई की किसने, हमारा डिपार्टमेंट है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसने, हुकूमत का डिपार्टमेंट है, हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, बंदे आइडेंटिफाई करता है और बंदों से टैक्स कलेक्ट करके हुकूमत को दे देता है, गवर्नमेंट को दे देता है। ये डायरेक्ट टैक्स ऐसा चलता है ना निज़ाम, डायरेक्ट टैक्स का निज़ाम इस तरह चलता है ना। अब जरा मुझे बात बताओ, FBR यहाँ पे काम कर रहे हैं, FBR जाते हैं लोगों को कहते हैं, लोग अपनी इनकम देते हैं, वो उनकी इनकम की असेसमेंट करते हैं और उस असेसमेंट की बेस के ऊपर टैक्स ले लेते हैं। आसान से काम नहीं, सुनने में कितना आसान है ना कि FBR गया, FBR ने अपनी इनकम देखी और FBR ने अपनी इनकम के ऊपर ये टैक्स चार्ज कर लिए, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए क्या पाकिस्तान में प्रैक्टिकेबल है, पाकिस्तान में तो ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। पाकिस्तान में आबादी जो है वो 22 करोड़ की है, क्या 22 करोड़ के 22 करोड़ का डाटा हुकूमत के पास है? आंसर इज नो। अब देखो ना, ये जो काम हो रहा है ये तमाम हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल मुझे अगर सैलरी मिली है 6 लाख रुपया, मेरे पास 6 लाख का एविडेंस होगा। एक बंदे ने गाड़ी सेल की है, प्रॉफिट कमाया है, गाड़ी सेल करने का एविडेंस होगा। एक बंदे ने प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी बेचने पे उसको पैसा पूसा आया है, प्रॉपर्टी सेल करने का एविडेंस होगा। एविडेंस है ना, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, या पैसे बैंक में आए हैं, बैंक में जी 1 करोड़ रुपया आ गया, हुकूमत पूछा जी भाई 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया, जी मैंने अपनी दुकान बेच दी, मैंने अपना फ्लैट बेच दिया, तो एविडेंस है ना, एविडेंसेस है। तो एविडेंसेस के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है, और रिलाय करते हुए आपका इनकम टैक्स ले रही है। क्या पाकिस्तान में हर बंदे की इनकम का एविडेंस है? क्या हम इतना वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्री हैं? बताओ सर। द आंसर इज नो। तो पाकिस्तान में तो ये नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। क्या मतलब अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का क्या मतलब? कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमारे पास डाटा ही नहीं है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा। देखो अगर मुझे पता है कौन कितना कमा रहा है, मैं उसकी कमाई के ऊपर क्या कर सकता हूँ, टैक्स लगा सकता हूँ, ऐसे ही है ना। अगर मुझे नहीं पता कौन कितना कमा रहा है तो क्या मैं उससे टैक्स निकलवा सकता हूँ? अगर मैं उससे टैक्स निकलवा भी लूं तो खुद बताओ क्या वो मुझे अपनी करेक्ट इनकम बताएगा, क्या वो मुझे अपनी सही इनकम बताएगा? मसला है। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, एक खातून थी, सीए में आ गई कि जी मैं सीए करूंगी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी, फिर मुझे घर मिलेगा, फिर मुझे गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। हालांकि
उसको घर वाले घर से बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन उसने वर्ल्ड टूर के ख्वाब देखे हुए हैं। चले जी महापारा की तरह की बात करते हैं, सीए में आ गई, सीए में आ गई जी, एम्बेसडर के हत्थी चढ़ गए कि दाएं बाएं कॉलेज चली गई, पेपर फेल हो गया, पेपर फेल हुआ, फिर पेपर पे पेपर फेल होना शुरू हो गया। अब ना सीए हो रहा है और ख्वाब पे ख्वाब बढ़ते जा रहे हैं। उसने फिर अल्टीमेटली तंग आके क्या कर लिया, उसने अल्टीमेटली तंग आके अपना ट्यूशन सेंटर खोल लिया, और उसने सेंटर का नाम रख लिया सीए वाली बाजी ट्यूशन सेंटर। अब उसने अपना ट्यूशन सेंटर खोल के बैठ गया। अब आपको पता है ना, अब जैसे आप लोग भी फ्लेक्सिंग करते होंगे फुल टाइम, मतलब मुश्किल से पीआरसी के पेपर ही क्यों ना क्लियर हो रहे हैं, लेकिन खानदान में मोहल्लों में आप इस तरह चलते होंगे जैसे आप इस मुल्क को चला रहे हैं। ये मैं सीए कर रहा हूँ, मैंने सीए कर रहा हूँ, मैं ये मैं वैसे करते होंगे, तो इन्होंने भी बाहर बोर्ड लगा लिया। अब इनके पास बच्चे तो आएंगे ना। अब ये जो बाजी फी वगैरह कलेक्ट करेंगी, पैसे कमाएंगी, क्या ये हुकूमत को इसका रिकॉर्ड दे रही होंगी? जब हुकूमत इनको अप्रोच करेगी तो ये सीए वाली बाजी क्या बताएंगी कि जी मैं तो सीए की स्टूडेंट हूँ, भी मैं R1 का पेपर दे के आई थी, तो मेरी अटेम्प्ट लग गई है, देखिए मैं तो बहुत इस वक्त डिप्रेस्ड हूँ, डिप्रेस सोल हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आई कैप को फी दे दे के मैंने आई कैप तो डाली हुई है कमेटी, हर 6 माह बाद आई कैप को मैं कमेटी सबमिट कराती हूँ एग्जाम फी की फॉर्म में, वो फिर फेल कर देता है, यही कहानी करवाएगी। और उसने अपनी एक पैरेलल यूनिवर्स खोली हुई है, वक्री डॉक्टर स्ट्रेंज बन के बैठी हुई है, और वहां पे वो स्कूल से बच्चे पढ़ा रही है, 50 बच्चे पढ़ा रही है, हर बच्चे से 2,000 चार्ज करके 1,00,000 रुपये पर मंथ कमा रही है। अभी जो 1,00,000 रुपया पर मंथ कमा रही है, क्या इसका कोई एविडेंस है, कैसा कोई रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास? बच्चों से कहती है कि जी आपने कैश में फी लेके आनी है, बच्चों से कैश में फी भी खा जाती है, बच्चों का लंच भी खा जाती है, बच्चों की चीजें भी खा जाती है, वक्री उसकी इन्वायरमेंट चल रही है, वक्रे बेनिफिट्स ले रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट इन बेनिफिट्स को टैक्स नहीं कर सकती, क्यों? व्हाट इज द रीजन, क्यों ये टैक्स नहीं हो सकते? इनकम तो कमा रही है, क्यों ये बेनिफिट्स टैक्स नहीं हो सकते? डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब आप खुद खुद सोचें, आपके एरियाज में ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए? ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं ना, वहां पे कोई 25-30 बच्चे पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? 25-30 बच्चों का मतलब है कि कोई 50-60 हज़ार पर मंथ निकाल रही होगी वो बाजी, क्या वो टैक्स दे रही होगी? आपकी गली मोहल्लों में ब्यूटी पार्लर्स खुले होंगे, क्या वो टैक्स देते होंगे? नहीं देते होंगे। आपकी गली मोहल्लों में मोची बैठे होंगे कॉबलर्स, नहीं पता। आपकी गली मोहल्लों में बार्बर्स हैं, नहीं पता। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है दैट इज अबाउट दीज थिंग्स। आप मुझे खुद बताएं, लाहौर के अंदर एक शालम मार्केट जो अंदरून लाहौर है, वहां पे दुकानदार बैठा हुआ है फट्टे पे लगाकर चीजें बेच रहा है, क्या वो बंदा टैक्स पे करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो क्या करी, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास दुकान नहीं है, मैं फट्टे पे लगा के बैठा हूं, और अल्टीमेटली उसकी रोज की सेल्स जो होगी वो 2-3 लाख की होगी, तो गवर्नमेंट उनसे नहीं टैक्स ले सकती। मैं अपना पर्सनल वाक्य बताता हूँ। मैं कुछ अर्सा पहले ना लाहौर में एक मार्केट है इचरा मार्केट, मैं उसके ना चौक पे खड़ा हुआ ना किसी का वेट कर रहा था, संडे का दिन था इवनिंग और क्लोजिंग हो रही थी, तो मेरे पीछे 2 हॉकर जो है थे ना वो अपना फट्टा वगैरह बंद कर रहे थे, और एक वो जो आदमी जिसका फट्टा था उसने कोई लेडीज से कट पीस की सेल लगाई हुई थी, वो अपने साथ वाले से बात कर रहा और मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ। कहता हाँ भाई कितना बेचा? कहता जी मैं कोई 2.5-3 लाख की तेड़ी ला लेती है। मतलब उसने 2.5-3 लाख रुपया बेचा, उससे उसे अमाउंट दी ना, अमाउंट थोड़ी सी भूल रही, इतनी अमाउंट थी। मैंने उसे पीछे मुड़कर देखा कि यार ये आज की बात कर रहा है कि 2.5-3 लाख की इसने सेल्स की है। उसने मुझे साथ वाले से कहता है मेरा नुकसान ही हुआ कि मैं कोई 1.5-2 लाख बेची है, और मैंने उसको भी देखा। अब दोनों के खुलिए देखें तो फटे हुए कपड़े, जूते भी उनके टूटे हुए, शक्ल से मतलब ऐसे मस्कीन, और क्या लग रहा है कि सोच है, और वो एक दिन में 3 लाख रुपए का बेच के बैठा हुआ है। तो जब क्या गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले सकती है? उसकी एक दिन की सेल्स जो है थी वो 3 लाख थी, क्या गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले सकती है? नहीं ले सकती।
मसला है ना, मसला क्या है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। उससे गवर्नमेंट पूछे हाँ भाई कितनी सेल्स की है, उसने कसमें खा जानी है, सुबह का बैठा हूँ धार लेके एक दुपट्टा नहीं बिका, और उसने वहां पे बाजियों को उसने कोई 300 दुपट्टे बेचे हुए थे, ऐसा है। अब ये हमारे कंट्री की एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है। चले अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के मजीद जज्बातों को मजरूह करने की कोशिश करूंगा। अभी तो जरा आप ट्यूशन वाली बाजी से जरा तंग हो रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको मजीद पेन देता हूँ, थोड़ा सा मैं मजीद आपको दर्द देता हूँ। आप सही एंटर करेंगे, अब उधर सही एंटर आपका कितने सालों के बाद होने हैं, मुझे वो टाइम पीरियड तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ना, सबको पता ना कितने सालों बाद होने हैं। आप सही एंटर करेंगे, आर्टिकल्स में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, आपको स्टाइपेंड मिलेगी, कितनी स्टाइपेंड मिलेगी, ये पैसे मिलेंगे और ये आप इंजॉय कर रहे होंगे, ये जो आपके बैंक में पैसे आ रहे होंगे इन तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होगा। यार 500 रुपये तुम्हारा अच्छी फॉर्म में ना लेट आने जाने का कट जाया करेगा, अगर टाइम पे तो आपने पहुंचना नहीं है तो पैसे नहीं कटवाने आप लोगों के। हाँ जी 16,000 मंथली मिलेगा ऑन एवरेज। यार तू ले ले, यार तू मेरे से ना 18,000 ले ले, तू मेरी फॉर्म में आ रहा ये ले, मैं तुझे 18,000 के स्टाइपेंड पे कर लूंगा, सुकून है। नहीं उस 2,000 पे से तुम कर लोगे सिविक बुक, करवा दूं सिविक बुक, करूं कॉल शोरूम पे, मंगाऊं उनका पीबीओ के 2,000 रुपए से एक्स्ट्रा पे किया इसकी सिविक बुक कर दे, RS टर्बो के फॉर्च्यूनर बुक करवानी है, दस दो पाए ना। ये मिल रही है जी स्टाइपेंड। फिर जब आप लाहौर एंटर होते हैं, लाहौर की एंट्रेंस पे ना एक दरबार बना हुआ है, दाता दरबार, उसके बाहर ना कुछ भिखारी बैठे हुए हैं। मैंने एक दफा ना एक भिखारी की इनकम भी पूछी थी, उसको ना थोड़े से पैसे दे रहा था और मैंने कहा यार कितना भी कमा लेते हो रोज का, एंड ही वॉज जस्ट लाइक अगर जब दिन बुरा हो तो 2,000 रुपया, जब दिन अच्छा हो तो 6-7,000 रुपया मैं कमा लेता हूँ। और उस वक्त मेरी स्टाइपेंड जो है थी वो 11,000 थी, पर मैं भिखारी को उस वक्त देख रहा था कि यार अगर ये 2,000 रुपया रोज कमा रहा है तो ये 30 दिनों में इसने कोई कमा लिए अच्छे खासे पैसे, और मैंने इतना पढ़ा, मैंने स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए हैं, मैंने IAS 16 याद किया हुआ है, मुझे एक्सेल आता है, मुझे ये भी आता है, तो मैं 11,000 रुपये गुजारा कर रहा हूँ। फिर उससे मैंने सोचा कि यार कोई थोड़ा तेरे साथ पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है मुझे, लेकिन इमोशनल डैमेज मुझे हो चुका हुआ था बहुत ज़्यादा उस वक्त के जज्बात आप नहीं समझ सकते। तो कभी आप देखिएगा एक भिखारी जो है वो कितने पैसे कमा रहा है, गवर्नमेंट आकर कभी भी इन भिखारियों को नहीं पकड़ सकती, कि पकड़ सकती है गवर्नमेंट आके एक भिखारी को कभी भी नहीं पकड़ सकती, और ये खाना खराब इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं कि अपनी सोच है, ये जो सिग्नल्स के ऊपर गाड़ियों के शीशे साफ कर रहे होते हैं यही महीने का 60-70,000 निकाल लेते हैं, 30-30 रुपए लेके, 50-50 रुपए लेके इनका डेली का जो है वो 3-4,000 रुपए निकला था, इजीली निकला था। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बेस, एक दफा मैं यहाँ पे खड़े होकर कदर 1.5 घंटे मैंने ऑब्जर्व किया होगा कि यार कैसे डोनेशन ले रहे हैं, मतलब एक बंदा बैठा हुआ दरबार के सामने, फटे कपड़े हैं, उसे सर नीचे किया हुआ है, ऊपर देख ना टोपी रखी हुई है, अब हर बंदा गुजरता होगा कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 20 रुपए फेंके जा रहा है बीच में, और उसकी टोपी जब फुल भर जाती है वो उठाता है अपनी जेब में डाल देता है, वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये पैसे कमा रहे हैं, इनके पास ये पैसा है, लेकिन इस पैसे का गवर्नमेंट को नहीं पता। तो गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट कभी भी किसी भिखारी की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं ले सकती। हम तो वैसे भी अपने मुल्क में भिखारियों को बड़ी इज्जत देते हैं, दुनिया में तो वो भीख मांगते हैं, हम भिखारी को उठा के अपना पीएम बना लेते हैं, हमसे ज्यादा अच्छी दुनिया में कौन सा मुल्क होगा कि हम भीख नहीं देते बल्कि हम उनको पीएम बनाते हैं। अब इनके हम टैक्स नहीं ले सकते तो क्या करें, क्या करेंगे। फिर गवर्नमेंट कहती है कि यार नहीं, ये पाकिस्तान में ना आवे का आवा बिगड़ा होगा, लोग पैसे कमा रहे हैं हमें पता नहीं है,
आप ट्यूशन सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, आप बाकी ट्यूशन वाली बनी हुई हैं, पैसे कमा रही हैं, हमें पता नहीं है। आपने सीए में आकर दो तीन कैलकुलेशंस याद कर ली हैं, आपने मोहल्ले में कमेटी वाली आंटी बन गई हैं, लोगों कमेटियां खानी शुरू कर दी हैं, पैसे कमा रही हैं, हमें पता नहीं है। भिखारी पैसे कमा रहे हैं, हमें पता नहीं है। स्ट्रीट हॉकर सब्जियां बेचने आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कितनी सेल्स है, कितनी इनकम है। ये बार्बर बाल काट के कितने पैसे कमा रहा है, तंदूर वाला कितने कमा रहा है, हमें नहीं पता। और प्रैक्टिकली इतनी बड़ी आबादी को गवर्नमेंट पाकिस्तान के सॉर्ट कर ही नहीं सकती। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, इलिटरेट है, इनको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करनी आती, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी आती। तो सबसे बड़ी ये इनहेरिट लिमिटेशन है हमारे सिस्टम की। अब जब गवर्नमेंट हर एक को नहीं आइडेंटिफाई कर सकती, तो क्या गवर्नमेंट इनसे टैक्स ले सकती है? अब गवर्नमेंट का भी कोई कसूर नहीं है। मैं जैसे अभी गया हूँ, मैं जिस इलाके से कल होके आई हूँ, ये फ्लड इफेक्टेड में, उनमें से बच्चों ने फर्स्ट टाइम मोबाइल फोन देखा है। वो कैमरा देख के डर गए थे कि जब उनको तस्वीरें दिखाई हैं, क्या ये तुम्हारी तस्वीरें हैं? ये पाकिस्तान की 21वीं सदी की तीसरी दहाई की रियलिटी है कि इतने बैकवर्ड लोग आज तक हैं जिन्हें चीजों का नहीं पता। रियलिटी है। तो गवर्नमेंट इनसे कैसे डाटा कलेक्ट करेगी? गवर्नमेंट कभी भी इनसे डाटा कलेक्ट नहीं कर सकती। अब जब गवर्नमेंट इनसे डाटा कलेक्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट को नहीं पता कि भिखारी ने कितने पैसे कमाए हैं, उससे हमने टैक्स कितना लेना है, गवर्नमेंट को नहीं पता कि ट्यूशन वाली बाजी ने कितने पैसे कमाए हैं, हमने उससे टैक्स कितना लेना है, गवर्नमेंट को नहीं पता कि शालम मार्केट में जो लोडिंग का काम कर रहा है, ये जो हाथ से रक्षा उठा के ट्रांसपोर्ट कर रहा है सामान, कितने पैसे कमा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट इनकी इनकम के ऊपर टैक्स ले सकेगी? जब गवर्नमेंट इनकी इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं ले सकेगी, तो क्या गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा? आंसर इज नो। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आएगा, तो मुल्क क्या खाक चलाएगी? हम तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि जी ये चोर हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, उनके एंड पे आओ। जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं आ रहा, तुम मुल्क क्या चलाओगे? गुर्दे बेच के चलाओगे कि कपड़ा बेच के आटा लेके आओगे? हालांकि उसने बेचे तो है नहीं। फिर क्या करते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है, अगर ये लोग अपने डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे, क्यों? बिकॉज ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम के ऊपर लगा लिया जाए। तो कहते हैं नहीं ठीक है, इनकी ऐसी के तैसी, इनका तो इनको हम वो हाल करेंगे जो शहबाज गिल का हाल किया था उन साहब ने। उन साहब से मुझे बहुत डर लगता है। क्या कहते हैं? इस भिखारी की हम इनकम नहीं पकड़ सकते, इस भिखारी की हम इनकम नहीं पकड़ सकते, लेकिन इस भिखारी के एक्सपेंसेस को हम देख सकते हैं। अब आप बताओ जरा, आप जाके भिखारी की पर मंथ इनकम का रिकॉर्ड नहीं रखवा सकते, लेकिन जब उस भिखारी ने भीख मांगी है, क्या वो पैसे नहीं खर्च करेगा? पैसे खर्च करेगा ना, वो क्या करेगा? वो जब वो आया बैठा, जब वो शाम को जाने लगा, तो उसको घर से कॉल आ गई, उसको घर से कॉल आ गई कि आते हुए जी सामान लेते आइएगा। वो दुकान पे जाएगा, वो जाके गोल्ड लीफ के पहले डब्बी लेगा, बिकॉज उसने जो पीना तो है, फिर वो साथ स्टिंग की बोतल पिएगा, ठीक है, और हिस्सा खर्चे करेगा, घर के लिए सामान लेगा, बिजली का बिल पे करेगा, या जब जितनी ज्यादा अच्छी उसको भीख मिल जाएगी, तो अपने बीवी बच्चों को मोनाल पे ले जाएगा खाना खिलाने के लिए, मोनाल इस्लामाबाद पे। इसका मतलब खर्च तो वो करेगा। गवर्नमेंट कहते हैं बेटा आ तू हमें पैसे नहीं, पैसे तूने कितने कमाए हैं, हम तेरे से टैक्स यहाँ निकालेंगे। तो गोल्ड लीफ खरीदने जा, गोल्ड लीफ तू खरीद 100 रुपए का, हम उसके ऊपर टैक्स लगा के तेरी पॉकेट से टैक्स निकलवा लेंगे। तू स्टिंग पी 50 रुपए की, जब तू उसके ऊपर पेमेंट करेगा, तो हम उस स्टिंग की कीमत में टैक्स डाल के तुम्हारे से ऐसे रिकवर करवा लेंगे। तो फिर क्या करती है? जब गवर्नमेंट देखती है कि यार नहीं, ये डायरेक्ट टैक्स की रिकवरी मुश्किल होती जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ मूव कर देती है। गवर्नमेंट क्या कहती है? ठीक है पैन एंड भिखारी साहब या सीए ट्यूशन वाली बाजी, कोई बात नहीं है, आपको आए क्या फील होता है, कोई मसला नहीं है, आपके पेपर पास नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं है, आपकी इनकम नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुरकुरे खाने हैं जी, खानी है, जाओ लेके आओ कुरकुरे। जब आप 10 रुपए के कुरकुरे लेने जाएंगी, तो इस 10 रुपए के कुरकुरे में गवर्नमेंट ने टैक्स शामिल किया होगा, जो गवर्नमेंट आपकी पॉकेट में से निकलवा देगा। आप आइसक्रीम खाने जाओगे, गवर्नमेंट ने टैक्स किया होगा, निकलवा लेंगे।
आप गोल्ड लीफ लेने जाओगे उसके कीमत में टैक्स शामिल होगा, गवर्नमेंट आपसे निकलवा लेगी। तो फिर यह करती है, जब गवर्नमेंट देखती है कि डायरेक्टली आपसे टैक्स नहीं निकल पा रहा, तो फिर वो इनडायरेक्टली आपकी पॉकेट में से टैक्स निकलवा लेती है। तो अब हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ेंगे, जो सेल्स टैक्स है, जो सबसे उर्फे आम में सबसे फेमस है। हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये चीज है, बड़ी मजे की चीज है, आपको मजा आएगा पढ़ने का। सेल्स टैक्स आपके डेली बेस एग्जांपल्स में लेके चलूंगा और आपको फिर ये सेल्स टैक्स हिफ्ज हो जाएगा, ठीक है? आपको समझ आ जाएगी कि ये जो आप 10 रुपए कुरकुरे खाते हैं इसमें कितना टैक्स लगा होता है। जो लेस का पैकेट लेके आते हैं उस पैकेट में हवा के ऊपर भी टैक्स हम पे कर रहे होते हैं। फिर मैं आपको चीजें बताऊंगा। जी जनाब, यहां तक कोई सवाल है तो बताएं। क्यों भी मजा आया टैक्स का? सर वो इचरे वाले होकर के काम कैसे मिल सकते हैं? यार अगर आपको मिल गया मुझे ही बता देना, मिलके बैठेंगे, ठीक है? आप छोटी वाली रेडी लगा लेना, मैं बड़ी वाली लगा लूंगा रेडी। बस मेरा गला खराब है तो मेरी हिस्से की ना आवाज आपने लगा देनी है, बस ये डील कर लेंगे, ठीक है? चलो मैं वेट कर रहा हूं फिर आपका, फटा भी ले रहा मेरे हिस्से का। सर मुझे अपना हेल्पर रख ले, मतलब तुम चाहते हो मैं काम करना छोड़ दूं? अभी हालांकि मैं एक एफिशिएंट पर्सन हूं, मैं काम कर रहा हूं, तुम्हें अपना हेल्पर रख के मैं भी लथार्जिक हो जाऊं, वेला आदमी बन जाऊं? नहीं यार, इतना तो अभी जुल्म नहीं करना मैंने अपने आप के ऊपर। सर स्पीकर लगवा लें आवाज के लिए? यार नहीं, यहाँ पे ना हम कोई बच्चा पकड़ेंगे सीए का स्टूडेंट, जिसकी आई कहते हैं ना कोई 3 से 4 अटेम्प्ट लगवाई हूँ, उसकी आवाज में ना बहुत दर्द होगा, उसकी दर्द भरी आवाज में ना हम ये अपनी सेल्स वाला जो होगा ना इछरे मोड पे वो रिकॉर्ड करवा के ना प्ले कर देंगे, या माइट भी पतीसे वाली आवाज को ले आएंगे उससे रिकॉर्ड कर लेंगे। डन हो गया, डन हो गया भाई, डन हो गया। बिजनेस आइडिया बैठे बैठाए मैंने आपको बिजनेस आइडिया दे दी है, याद करेंगे करोड़ों रुपया कमाने का, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग तो इतना सोच नहीं सकते, इतने इतने आला बिजनेस आइडिया कौन देगा आपको? एक दिन का 3-3 लाख कमाने का आइडिया दे रहा हूँ यार, ढूंढेंगे ऐसा बंदा दुनिया में जो आपको ऐसे ऐसे आइडिया दे रहा है कमाने के? उफ, मैं इतना अच्छा क्यों हो गया हूँ आजकल? सर फिर क्या आपकी हालात हुई थी दाता दरबार के आगे भिखारी को देखकर? हाँ, टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। सर आप ऑडिट मुझसे करवाइएगा अपने बिजनेस का, विकास कसम वाली बात है मैं तुमसे ऑडिट करवा लेता, लेकिन तुम्हारे ऑडिट के स्पेलिंग इतने खराब है ना, मुझे समझ लग गया तुम्हारा ऑडिट भी इतना खराब हुआ होगा। द वर्ड इज ऑडिट, ऑडिट वर्ड दुनिया में नहीं होता, ऑडिट इस वक्त दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। पुत्र तू कंपनियां डबोएगा, लिखवा ला मेरे को। तो जिस कंपनी में गया ना, कंपनी अगर ना बैंकक्रप्ट कंसीडर ही मेरा नाम हो जल्दी, मतलब यार जिसने ऑडिट करना है उसको ऑडिट के उसकी एबीसी खराब हो गई है, जिसकी एबीसी खराब, जिसके स्पेलिंग उल्टे हो गए हैं वो ऑडिट करेगा। इसने सेल्स को ना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, इसने डेटर्स को ना क्रेडिटर बनाया, इसने एसेट को एक्सपेंस ना बनाया, पकड़ लीजिएगा, बनी बनाई कंपनी डुबो के बैठेगा। उसने अटेंशन के लिए नहीं लिखा ऐसा, उसकी हो गई है। एक हमारे पास देखे ना, हमारी फील्ड में एक्सट्रीम्स है, एक हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है जो मुल्क संभाल रहा है, और एक हमारे अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनको ऑडिट के स्पेलिंग नहीं आते। साहब लालो, इन एक्सट्रीम्स की वजह से हमारा मुल्क गरीब है आज तक। चलें जी, हम इसको वाइंड अप करते हैं, वरना आप लोगों ने और मेरे से ना लेना कुछ ना कुछ। कल हम यहां से कंटिन्यू करेंगे और कल हम अपने डेफिनेशंस,
सब कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको रिवाइज कैजुअल भी शेयर कर दूंगा। उम्मीद है मेरा कल गला काफी ठीक हो गया होगा। नहीं अच्छा, मैं टैक्स कंसल्टेंसी अगर ना करता होता तो मैं टैक्स क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा रहा हूँ? तो दीवेज के टैक्स पढ़ा रहा हूँ, जाहिर सी बात है यार। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हमने लेक्चर के साथ पास्ट पेपर्स भी करने हैं डेली बेसिस के ऊपर, मतलब जिस क्वेश्चंस के साथ जिस टॉपिक के साथ पास्ट पेपर्स होंगे हम करते जाएंगे। सेपरेटली पास्ट पेपर्स नहीं है, हम टॉपिक के साथ साथ पास्ट पेपर्स कर रहे हैं ताकि पास्ट पेपर का बर्डन ना फील हो। तो ये चीज आपने याद रखनी। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।